देखो ये निकाल लिया फर्स्ट पास्टन एनर्जी जनरेटेड, तुमने निकाल लिया कि नहीं, ये इलेक्ट्रॉन को कहाँ एक्सेलरेट करें जो कि हाइड्रोजन एटम में प्रेजेंट है ताकि फर्स्ट पार्शियल लाइन इज एमिटेड। हाँ सही, हम सर सही है। हाँ इसमें 12.75 आ रहा है क्या सर? 12.75। इलेक्ट्रॉन को कहाँ एक्सेलरेट करें सो डैट फर्स्ट पार्शियल लाइन इज एमिटेड। हाँ सही कर। तो अब इसमें डेल्टा ही निकालोगे ना, डेल्टा ही अगर निकालोगे तो वो पहले से चौथे शेल पे जा रहा है इलेक्ट्रॉन। 13.6 इंटू जेड का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, गर्व 1/1 का स्क्वायर माइनस यस सर, 1/4 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 12.75 आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, ये एनर्जी आ गई है, हमें पोटेंशियल निकालना। तो 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ई से ही कैंसिल हो जाएगा, वोल्ट में आंसर आ जाएगा। ट्वेल्व पॉइंट सेवन फाइव वोल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। 12.75 वोल्ट। नेक्स्ट नोट करना, नेक्स्ट लिखेंगे क्वेश्चन। कई बार आप इस क्वेश्चन को ना चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन की फॉर्म चेंज कर देते हैं, उसी टाइप को मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। और ये क्वेश्चन भी आजकल एंट्रेंस में पूछे जा रहे हैं। इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, इज टेकन टू बी जीरो। इज टेकन टू बी जीरो देन टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज, ये निकाल लो, ये निकालो इसे।
हाँ किसी ने निकाला आंसर इसका? सर भेज दिया था आपको। संयम कैसे किया है? हाँ संयम कैसे किया है? सर जो टोटल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम है वो -13.6 है, और जो और फिर फर्स्ट एक्सेस स्टेट में -3.4 है, पोटेशियम एनर्जी आ जाएगी। हाँ सर मैंने टोटल पोटेशियम एनर्जी ग्राउंड स्टेट में -27.2 ले ली। हाँ फिर जो स्पेक्ट्रम मैंने शिफ्ट हो गया तो मैंने 27.2 ले ली, मतलब नेगेटिव नहीं लिया। हाँ फिर सर -3.4 +27.2 किया तो 23.8 आ गया। ये -3.4 कहाँ से आया? अरे ये वो है ना फर्स्ट एक्सेस स्टेट की एनर्जी। बहुत अच्छे से हम बिल्कुल सही आंसर। देखो इसने बोला पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड स्टेट की हाइड्रोजन एटम में जीरो लेनी। पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड स्टेट में कितनी होती है? टोटल एनर्जी ग्राउंड स्टेट में कितनी होती है? -13.6 डेड का स्क्वायर एन वन का स्क्वायर, एन का स्क्वायर एन वन का स्क्वायर, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? टोटल एनर्जी का डबल यानी -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको क्या मानना है? ये स्पेक्ट्रा शिफ्ट कर दिया है, इसको क्या मानना है? जीरो। इसको जीरो मानना है यानी हमने 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा दिया है। 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा दिया है। तब इसने बोला टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होगी? टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होगी? तो क्या आएगी अब यहां से? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में वैसे एनर्जी कितनी होती है? -3.4। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी क्या होती है? -13.6 बाय 2 का स्क्वायर यानी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में अब कितनी हो जाएगी एनर्जी? क्योंकि हमने 27.2 को क्या माना था? जीरो माना था कि नहीं? 27.2 को जीरो माना था। -3.4 कितना होगा? -3.4, इसको भी 27.2 से बढ़ा देंगे तो ये आ जाएगा कितना? 23.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर डाउट है। हाँ सर इसको ऐसे नहीं कर सकते कि अगर हमने पोटेंशियल एनर्जी को हमने जीरो कर दिया तो सर सिर्फ एनएचसीएल के अंदर उसकी काइनेटिक एनर्जी बचेगी। अच्छा काइनेटिक एनर्जी कह रहा है एनएचसीएल में बचेगी। यस सर। फिर सर अगर हम देखें तो फर्स्ट शेल में आ जाएगी सर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पॉजिटिव काइनेटिक एनर्जी। हाँ और सर ऐसे सेकंड वाले में आ जाएगी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो हमने जीरो कर दी तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी बचेगी। पोटेंशियल एनर्जी देख पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड स्टेट की जीरो मानी है ना, पोटेंशियल एनर्जी में ग्राउंड स्टेट की जीरो मानी है। पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड स्टेट की कितनी होती है? -27.2 होती है। अगर मैं इसको जीरो मान रहा हूँ, देख अगर मैं इसको जीरो मान रहा हूँ तो क्या होगा कि हमने एक तरह से पोटेंशियल एनर्जी को 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बढ़ा दिया ना। यस सर। पोटेंशियल एनर्जी को 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बढ़ा दिया तो अब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी क्या है? -3.2 है कि नहीं? यस सर। तो अब जब ये इतनी है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो एक्चुअली कितनी रही होगी? सर बट जो मैं कह रहा हूँ गलत है फिर? गलत नहीं है लेकिन मैं ना इसमें इसके थ्रू कर नहीं सकता। क्या नाम है कि काइनेटिक एनर्जी से कंपेयर करूं जब पोटेंशियल एनर्जी को जीरो बोला ना तो उसी को रेफरेंस लेके उधर से करेंगे गर्व। ठीक है सर। सर किसी और ने मेरे नाम से ज्वाइन कर लिया है, मेरा तो माइक बंद है। अच्छा सर आप बोलो। बोलो सर मुझे वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया। आप बोलो भव्य एक बार क्या समझ नहीं आया या लिपिका? हमने लिपिका सर मुझे वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया कि आपने पोटेंशियल एनर्जी को जीरो, देखो पोटेंशियल एनर्जी जीरो माना है ना क्वेश्चन में बोला कि जो भी एनर्जी है ना इसको जीरो मान लो पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड स्टेट को।
ओके सर, फिर उसके बाद आपने फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की माइनस 3.4 होती है, फिर आपने उसको बढ़ा दिया कि हमारी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की अब नई वाली एनर्जी आ जाए, नई वाली हो जाएगी, सही है? ओके सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो। चलो ये निकालना, कैलकुलेट नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मेड इन हीलियम प्लस आयन इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन, इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन निकालो जरा। सर ये एक सेकंड में निकालनी है। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकंड, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकंड है। सर 9×10⁴ रेवोल्यूशंस।
हाँ कर लिए। निकाला किसी ने आंसर इसका? गर्व 10^15। यस सर, देखो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, अच्छा नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकंड निकालना है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकंड निकालना है, यानी फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी होती है 1/टाइम, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस क्या होगा? 2πr, 2πr अपॉन में भी आएगा तो वो ऊपर आ जाएगा। बस वेलोसिटी और रेडियस चाहिए तुम्हें। वेलोसिटी थर्ड ऑर्बिट में हीलियम प्लस के, वेलोसिटी होता है 2.188 × 106 जेड, जेड होगा 2/n, n होगा 3 मीटर पर सेकंड में। ये वेलोसिटी आ गई। और रेडियस दूसरा क्या चाहिए? रेडियस, रेडियस होगा 0.529 n² यानी 3² / z, z यानी हीलियम का 2। ये दो वैल्यू ऊपर पुट करनी है, ये वाली वैल्यू, ये r की वैल्यू यहां पुट करेंगे, v की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। किस किसने किया ऐसे? सर, ये आर्मस्ट्रांग में है, लेकिन ये इनपुट टेंशन स्टेन हो रहेगा। सर एक बार लास्ट यूनिट ध्यान पर, वी और आर निकाला आ गया कि नहीं? यस सर। आर कैसे निकाला वो बता दो। 0.529 n² / z फॉर्मूला होता है ना आर्मस्ट्रांग में। ओके सर आ गया। एक बार कैलकुलेशन तुम लोग खुद करना, एक बार हैंड सेस करना, जिससे कंसेप्ट समझ आ गया जल्दी से। शरद, गर्व, हर्षित, हिमांशी, गर्व, दीपिका, हरेंद्र, नयंत, हिमांग, आरुषि, पूर्वांश, सौम्या, ध्वनि, ध्रुव, नीलांश, दृष्टि, दिव्यांत, अब रिदम, ध्रुव, भव्या, मनन, रशिल, संयमगत हो गया, तान्या, मनन और रशिल। नहीं समझ आया? आ गया सर, सर हैंड नहीं रेज हो रहा है। अच्छा अच्छा, और मनन? सर आ गया सर, देख रहा हूँ अपने लैपटॉप में ना, मिल नहीं रहा। अच्छा, सर्विसेज का आंसर क्या है? आंसर निकालना पड़ेगा एक बार, मैं अप्रोक्सीमेट कर देता हूँ। कैलकुलेशन पर चाहिए, अगर इक्वेशन चाहिए अप्रोक्सीमेट देखो। ऊपर म्यू जो है v/2πr है, वी है 2.18, इसको अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं, 4/3 यानी 1.33, 1.5 × 10^6 आई, वी है 1.5 × 10^6, ये मान लिया, डिवाइडेड बाय 2πr, 2 × 3.14 × r, 0.529 × 9/4, ये आ जाएगा। और 10^-10, 10^-10 है तो ऊपर जाके 10^16 हो जाएगा, 10^16 हो गया ये। अब बस इसको अप्रोक्सीमेट करना है यहाँ पे, 1.5 × 4 = 6, 6 आ गया, 3 से 2 जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, ये सब कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 9.529 × 9, हाफ कर देंगे इसको, 4.1/5.2, यानी अप्रोक्सीमेटली आंसर जो आएगा, अप्रोक्सीमेटली जो आंसर आएगा 2 × 10^15 आएगा, रेवोल्यूशन पर सेकेंड, 2 × 10^15। चलो तुम लोग कैलकुलेशन एक बार देख लेना जरूर।
सही ना, कंसेप्ट देख लिया सर, इस तरह से होना। ये क्वेश्चन आईआईटी में पूछा हुआ है और एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि नॉर्मल पूछा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन ईजी है। वैल्यूज पुट करनी है। कैलकुलेट रेशियो ऑफ टाइम टेकन टू कंप्लीट। वन रेवोल्यूशन। सर क्लास सब खत्म हो गई सर, बस एक दो क्वेश्चन और है, एक दो क्वेश्चन और है रशिल। टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इन ऑर्बिट्स ऑफ रेडियस। लेक्चर अपलोड हो जाएगा। इन ऑर्बिट्स ऑफ रेडियस। एक्सक्यूज मी सर। शरद, शरद तू क्लास अटेंड नहीं कर रहा क्या? सर मेरे नेटवर्क में दिक्कत आ रही है। अच्छा सही हो जाएगा। ये निकालो जरा, अगर पीछे वाले लेक्चर भेज दिए थे क्या? यस सर सारे। फिर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो। कैलकुलेट रेशियो ऑफ टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इन ऑर्बिट्स ऑफ रेडियस आर एंड फोर आर रेस्पेक्टिवली। क्लियर है? इन ऑर्बिट्स ऑफ रेडियस आर एंड फोर आर रेस्पेक्टिवली। यस सर। सर 1:4। 1:4 निकाल लिया, और कोई नहीं? 1:4 नहीं आएगा। अच्छा तुम लोगों ने सोमरफील्ड मॉडल पढ़ लिया ना गर्व? यस सर स्कूल। यस सर। हाँ उसको रीड जरूर कर लेना, सोमरफील्ड मॉडल भी इम्पोर्टेंट है। मतलब उसका क्वेश्चन आएगा ना, तो फिर उसमें पता ना कि इसने बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है सर्कुलर ऑर्बिट्स में मूव नहीं करते, एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में मूव करते हैं। और बात इसने मतलब कुछ हिंट दे दिया था कि ऑर्बिट के अंदर सबशेल और ऑर्बिटल्स होते हैं। दूसरा, अगर मान लिया मैंने फिफ्थ शेल है तो उसके अंदर एक ही सर्कुलर ऑर्बिट होगा, बाकी चार क्या होंगे? इलेप्टिकल ऑर्बिट। ये पढ़ लिया ना इतना? Yes, sir. कोई भी शेल होगा उसमें एक सर्कुलर ऑर्बिट होगा और बाकी जो बचेंगे वो होंगे एलिप्टिकल ऑर्बिट। संयम का सही है, संयम एक्सप्लेन कर एक बार। सर 1:1 है। 1:1 नहीं है, 1:8 आंसर है। सर ये समय सर T1/T2 इज इक्वल टू R1/R2 और 3/2 से ये आ रहा है सर 1/8। T1 देखो एक तो डायरेक्ट तरीका है, सबने कैपलर्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा हुआ, वही अप्लाई कर देना। टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। एक तो एक तो डायरेक्ट तरीका है, T1/T2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब था, तो कांस्टेंट तो हट जाएगा, तो आर क्यूब अपॉन में 4R का होल क्यूब आ जाएगा। ओके सही हम, तो ये आ जाएगा 1/64। तो T1/T2 आ गया 1:8। सर ये तो ये तरीका है। और हाँ रुशिल ने बोला सर। हाँ रुशिल। सर सर मैंने ही बोला था सर, सर ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन का तरीका। अच्छा तुम्हें हाँ पता है, मेरे को पता है, इससे हो जाएगा एक तो, और नहीं तो एक तो मैं अभी मैं डेरिवेशन करवाई थी मैंने तुम्हें, K Q1 Q2 R² इज इक्वल टू MV² R। आर से आर कैंसिल हो गया था, यार है कि नहीं डायरेक्शन वाली, सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो यहाँ से आर से आर कैंसिल हो गया, तो वी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ आर है, इससे भी कर सकते हो। वी जो है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ आर। तो उसमें फॉर्मूला लगा दो, एक तो मैंने ऊपर तरीका बता दिया तुम्हें, दूसरा वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ आर लेके भी कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें T1/T2 लिखना पड़ेगा, T1/T2 लिखना पड़ेगा, ये होगा 2π पहले वाले केस ऑर्बिट में यानी आर वाले में 2π इंटू आर
डिवाइडेड बाय बी वन, और टी टू में टू पाई इंटू फोर आर डिवाइडेड बाय वी टू, टू पाई आर वी वन इज इनवर्सली टू रूट ऑफ आर था तो रूट आर आ जाएगा, बाय में टू पाई इंटू फोर आर अपॉन में वी टू जो है इनवर्सली टू रूट ऑफ आर था यानी रूट ऑफ फोर आर आ जाएगा, तो ये टू पाई से टू पाई कैंसिल हो गया, तो ये आर रूट आर यानी रूट आर भी कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा देखो रूपा जा रूट फोर का टू बाहर आएगा तो वन इंटू एट आ गया कि नहीं आंसर, ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है, क्लियर है कि नहीं है। सो जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में v by 2 pi r करके किया था, इसमें हम वैसे नहीं कर सकते, वही तो किया है, टाइम पीरियड यही लिखा है v by 2 pi r। ओके सर, देखो टाइम ही तो है, टाइम क्या है 2 pi r by velocity, ये वाला टाइम क्या है 2 pi into 4 r by velocity, आया समझ के नहीं? आ गया सर। चलो अभी तुम यहीं तक करना और इन न्यूमेरिकल्स को ना दो दो बार रिपीट कर लेना जरूर, अब नेक्स्ट क्लास अगर होती है तो वो टफ वाली क्लास होगी, सही ना, और का काम करके ना इन न्यूमेरिकल्स को रिपीट कर लेना इस वेडनेसडे मोस्ट प्रोबेबली या फिर नेक्स्ट वेडनेसडे तुम्हारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का और मोल कंसेप्ट का टेस्ट होगा, जैसे मोल कंसेप्ट का पहले हुआ था ना टेस्ट टफ वाला, उसी टाइप का टेस्ट होगा नेक्स्ट वेडनेसडे कर लेना, इस वेडनेसडे मत करो, नेक्स्ट वेडनेसडे मोल कंसेप्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर का टेस्ट होगा, और कल भी टेस्ट हो सकता है सरप्राइज से, कल हो सकता है, एक लेक्चर में पढ़ाऊंगा और एक लेक्चर टेस्ट ले लूंगा सर। एटॉमिक स्ट्रक्चर और का एटॉमिक स्ट्रक्चर मोल कांसेप्ट नहीं सर, कल सर एक बार कल तो वो बेसिक वाला लूंगा पहले सर, बेसिक टेस्ट, बेसिक वाला टेस्ट। हाँ क्या क्या है टेस्ट बोलो, बेसिक वाला टेस्ट जो मैं लेता था तुम्हारा वही टेस्ट वैसे ही। ओके सर, ओके सर, इस बार मंडे ट्यूसडे को ऑर्गेनिक वाली क्लास है। हाँ मंडे ट्यूसडे और निकलूंगा। ओके सर, थ्री ओक्लॉक स्टार्ट होगी 3:45 to 3:50 तक। सर्कल हाइब्रिड हाइब्रिड नहीं होगी वो कल तो, हाँ कल हाइब्रिड होगी, एक क्लास होगी और एक क्लास में टेस्ट, एक क्लास में टेस्ट तो ऑफलाइन ही होगा सर। ऑर्गेनिक वाली क्लास मंडे ट्यूसडे को हाइब्रिड में होगी सर, वो ऑनलाइन ही होगी, 45 मिनट की क्लास होगी ना, 45-50 मिनट की क्लास होगी, सही है सर। ओके सर, चलो अभी और कुछ पूछा तो नहीं किसी को सर, कल की टाइमिंग क्या है? कल का 3:30 और सर शाम का 3:30 से, 3:30 से वो 5:00 तक होता ना कल। ओके सर, ओके okay.